अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, फैक्ट एंड फोकस चैनल पर दोबारा खुश आमदीद। मेरे नौजवानों, अब मेरी बात को गौर से सुनने आपने। 9 मई के वाकये की मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ। अब मेरा कैटेगोरिकली तरीके इंसाफ से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं इस्तकामे पाकिस्तान पार्टी में जाना चाहता हूँ, लेकिन लेकिन वो मुझे आने नहीं दे रहे। खुदा रहा, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। मेरे मुल्क को बचाओ। सब नौजवान एक साथ सुन ले, बच्चे बूढ़े आंटियां लड़कियां, इस्तकामे पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन करें ताकि हम ये मुल्क बचा सकें। इस्तकाम इस्तकाम इस्तकामे पाकिस्तान। इंतजार हुसैन पिंजूत है और हारून अल रशीद की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक जेल में मुजरिम नियाजी फजर की नमाज के बाद कैदियों को 2 घंटे वर्जिश करवाता है। इसके बाद कैदियों के साथ मिलकर नाश्ता होता है। फिर नियाजी कैदियों के जुलूस के हमरा अपने सेल में वापस आता है। तमाम कैदी इस दौरान नियाजी के हक में मुसलसल नारेबाजी करते रहते हैं। नियाजी सेल में इस्तराहत फरमाने के बाद जोहर की नमाज के लिए बेदार होता है और जोहर व असर की नमाजों की इमामत करवाता है। असर की नमाज के बाद नियाजी का मस्जिद में बयान होता है, जिसमें नियाजी मकदियों को अखलाकियात, ईमानदारी, दयानतदारी और रियासत मदीना के उसूलों पे वाज फरमाता है। कई कैदियों पे इस दौरान गशी भी तारी हो जाती है। मगरिब की नमाज के बाद कैदियों का जुलूस नारे मारता हुआ मुजरिम नियाजी को सेल में छोड़ आता है। इशा की नमाज के बाद नियाजी जिक्र व अज़कार व मुनाजात में मशगूल हो जाता है और आधी रात तक ये अमल जारी रहता है। इस दौरान रात 12 बजे दूध नोश फरमाने का मुर्शिद का हुक्म मुअत्तल है। फिर 2 घंटे आराम के बाद तहज्जुद में उठता है और तहज्जुद की नमाज अदा करके फज्र तक तिलावत करता है और फिर फजर की नमाज के बाद वही मामूल। अब तक सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मजीद दिलकश कहानियों के लिए हमारे चैनल फैक्ट फोकस के साथ जुड़े रहें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।